फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में खोले जा रहे शराब के ठेके का विरोध करने की सजा गुरविंदर नाम के शख्स को अपनी जान पर खेल कर चुकानी पड़ रही है। दरअसल घायल की पत्नी और भाई की माने तो कुछ दिन पहले पर्वतीय कॉलोनी में शराब का ठेका खुलने जा रहा था, जिसके विरोध में गुरविंदर खड़ा हुआ था, जिससे रंजिश मानकर देवेंद्र गुप्ता नाम के ठेकेदार के साथियों ने रात को घर में घुसकर गुरविंदर के साथ मारपीट की, जिसमें गुरविंदर के दोनों पैर टूट गए और एक आंख में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल घायल गुरविंदर का एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस की माने तो गुरविंदर शराब बेचने का काम करता था, ठेके के ठेकेदार ने उसे शराब बेचने से मना किया, ना मानने पर उसके साथ मारपीट करवा दी गई, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की जांच की जा रही है। मारपीट करके गए और इनकी आंख में क्या कहते हैं, आंख पूरी इनकी खुल नहीं रही है, पूरी इनकी आंख मतलब साल डेढ़ साल के अपाहिज कर गए इनको। मतलब किस कारण हुआ था ये झगड़ा, कैसे क्या हुआ था? पहले काम करते थे इनके साथ, अब काम करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद फिर रात मार पीटी करके पता नहीं मुंह पे ढाटा बांध के आए थे, कपड़ा वपड़ा बांध करके आए थे मुंह पे, और मार पीट के हाथ पैर तोड़ गए। और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि 15 लाख के आसपास पैसे लगेंगे, और हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम कहाँ से पैसे लाएं। किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, कैसे क्या हुआ था पूरा? ठेके का विरोध कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट किया? हाँ, मारपीट करी है, बहुत ज़्यादा मारा है इनको और खूब इनके हाथ पर अच्छे से तोड़े हैं, खूब मारा है इनको। मेरा छोटा भाई है गुरविंदर, ये कोई ठेके वेके खोल रहे थे, उसके विरोध में खड़े थे वहाँ पे, तो इन्होंने उनको धमकी उमकी दी है और दोपहर को भी धमकी दे गए, और रात को ये सारे बंदे 5-7-10 बंदे हैं, कोई देवेंद्र गुप्ता है जो इनका मेन ठेकेदार है, वो इन गुंडों को हायर करके लेके आया है, और उन्होंने रात को आए हैं वही बंदे थे जिन्होंने दिन में धमकाया है, और कपड़े भी वही पहने हुए थे और मुंह बांध के आए हैं, और उन्होंने इसको बहुत बुरी तरह से मारा है, दोनों टांगे दोनों बाजुएं वो फ्रैक्चर हैं, और इसकी एक आंख है ऑलरेडी, एक आंख खराब पहले ही है, और जो आंख ठीक है उसको भी बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया इन्होंने, उस आँख के बचने के चांसेस बहुत कम बता रहे हैं डॉक्टर, उसके ना के बराबर हैं, और ये अगर इसकी आँख खराब होगी तो वो जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मेन मुसीबत का कारण बना हुई है। तो अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, आईसीयू में है, अभी देखो डॉक्टर उसको देख रहे हैं, अभी आगे क्या सिचुएशन बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। क्या इससे पहले भी इनकी किसी से रंजिश थी? नहीं, ऐसी कोई पहले रंजिश तो नहीं थी, लेकिन ये अभी इनको धमकाया और रात को ही मारने आ गए हैं करीब 10 बजे के। 29/4/17 को हमारे पास सूचना आई थी, गुरविंदर सिंह उर्फ गेंदी जो पर्वतीय कॉलोनी झनकर प्लाजा वाली गली में दुकान कर रखी है, वहाँ पर जो है उस साल को 3-4 लड़के रात को मारपीट करने गए थे, पुलिस तुरंत मौके पर चली गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ वो अनकॉन्शियस था, बीके से उसको सदर रेफर कर दिया था, तो उसके घर वालों में सदर में ले जाकर एस्कॉर्ट में ले गए थे, एस्कॉर्ट में जाकर उसके बयान के लिए जो है डॉक्टर साहब से जाएंगे, तो डॉक्टर साहब ने उसको अनफिट दिया था, तो उसके भाई ने अपना स्टेटमेंट तैयार किया, इस पर हमने उनको मदद कर दिया। जी, किस बात को लेकर मारपीट हुई थी कुछ पता चलो? अभी तक ये सामने आया कि शराब बेचने का काम करता था, वहाँ जो ठेकेदार है वो ठेकेदार और उसके आदमी जो कहते तो शराब का धंधा बंद कर दे, इस बात को लेकर झगड़ा होना पड़ता है। तो अब तक किस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, किन किन FIR लॉन्च कर दी गई है, अब इस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी सामने पहलू आए वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।